हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसएम के गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारे किचन से छिलके वगैरह निकलते हैं सब्जियों के, उनका अपने पौधों में बहुत ही अच्छा यूज करना बताऊंगी। तो इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने किचन में से जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लौकी और तोरी आलू सभी के छिलके लिए हुए हैं और इन सबको मैं आपको अपने पौधों में डालकर दिखाऊंगी और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है हमें। जिस तरह से दोस्तों हम तोरी लौकी जैसे हरी सब्जियां खाते हैं, उनसे हमें काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है, उसी तरह हमारे पौधों को भी इसी तरह न्यूट्रिशन मिलता है इन छिलकों से। तो ये देखिए, मैंने सभी सब्जियों के छिलके इकट्ठे करके रखे हैं। मैं कभी भी अपने किचन से जो वेस्ट निकलता है उसको कचरे में नहीं डालती, बल्कि इकट्ठा करके रख लेती हूँ और अपने पौधों में मैं उसका यूज करती हूँ। तो ये देखिए, मेरा गुड़हल का पौधा है और ये काफ़ी हरा भरा है, क्योंकि दोस्तों मैं इसी में ऐसे ही ये छिलके वगैरह का यूज करती हूँ और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इनसे बनाती हूँ वही मैं अपने पौधों में डालती हूँ। तो चलिए, अभी मैं बताऊंगी हमें इसके यूज हमें अपने पौधों में कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें अच्छे से गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद हमें मिट्टी को हल्का सा एक साइड करके हल्का सा इसमें जो गड्ढा बना लेना है, देखिए इस तरह से मिट्टी एक साइड करके एक छोटा सा गड्ढा करना है और उसमें ये सब्जी के छिलके हमें डालने हैं। तो ये देखिए, मैं तोरी के छिलके इसमें डाल रही हूँ और इसको हमें मिट्टी से अच्छे से ढक देना है। और दूसरी तरह ये देखिए, इस साइड भी मैं ऐसे ही गुड़ाई करके जो छिलके हैं वो डाल दूंगी। तो दोस्तों, यहाँ भी मैं मिट्टी को एक साइड करके जो ताज़ा छिलके हैं वो डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने इस साइड जो तोरी के ताज़ा छिलके थे वो डाल दिए हैं और उसी को भी मैं मिट्टी से अच्छे से ढक दूँगी और इसमें हम बाद में थोड़ा पानी भी डाल देंगे। इसी तरह दोस्तों, मैं सभी पौधों में ये ही छिलका यूज करती हूँ, क्योंकि दोस्तों किचन में दोनों टाइम छिलके वगैरह निकलते हैं और हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों हमें उनको फेंकना नहीं है, बल्कि अपने पौधों में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये गुलाब का पौधा है, ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो रही है और इसमें बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई है। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और नई नई ब्रांचेज भी इसमें निकली हुई है। तो चलिए, मैं गुलाब के पौधों में भी अपना ये वाला खाद आपको डालकर दिखाती हूँ। तो धीरे धीरे दोस्तों, ये जो छिलके हैं ये मिट्टी में दबने के बाद इनका बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है और हमारे पौधों को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो ये देखिए, इसमें भी मैं ये छिलके इस तरह से ही दबा दूँगी और जो मेरे फूलों के और सब्जियों के पौधे हैं उनमें भी मैं इनका ऐसे ही यूज करती हूँ। तो चलिए, अब मैं आपको अपने जो मोसरोज के पौधे हैं उनको दिखाती हूँ, क्योंकि उनमें भी दोस्तों मैं ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका बनाकर डालती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने आपको अभी इसकी जो कटिंग लगा कर दिखाई थी, तो उसकी कटिंग लग कर देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और देखिए इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें गुड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो हमें इसमें जो ये छिलके वगैरह है वो कैसे डालने हैं वो हम मैं आपको अभी बताती हूँ। तो दोस्तों, हमें इन सभी छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में डालना है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम ना गुड़ाई कर सकते हैं और ना ही ये छिलके मिट्टी में दबा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से छिलकों को हम एक रात के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे और एक रात के बाद जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसको हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।